हाय फ्रेंड्स, आप सबका वन कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। दूरदर्शन ने एक बार फिर से 1980 के दशक का सबसे लोकप्रिय पौराणिक धारावाहिक रामायण, जिसे रामानंद सागर ने बनाया था, वो फिर से टेलीकास्ट कर दिया है। रामायण के आते ही इस शो ने एक बार फिर से अपनी लोकप्रियता को साबित कर दिखाया है। ये शो जैसे ही ऑन एयर हुआ तो इस शो ने TRP के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोगों में उत्साह है इस शो से जुड़े कलाकारों और उनसे जुड़ी हुई कई बातों को जानने का। तो चलिए जानते हैं रामायण और रामायण से जुड़े कलाकारों के बारे में कई दिलचस्प बातें। रामायण में राम का किरदार निभाया था अभिनेता अरुण गोविल जी ने। अरुण गोविल जी का बचपन मेरठ में गुजरा। मेरठ यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की और 17 साल की उम्र में मुंबई आए बिजनेस करने के लिए। बिजनेस उनसे कुछ खास जमा नहीं, इसलिए उनका रुझान अभिनय की तरफ हुआ। शुरुआती दौर में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें साइड हीरो का किरदार मिला, जिससे वो थोड़ा सा दुखी थे। फिर उनकी जिंदगी में उन्हें बड़ा ब्रेक दिया और ये ब्रेक था राजश्री प्रोडक्शन का, और वो फिल्म थी सावन को आने दो। सावन को आने दो ने उन्हें बहुत कामयाबी दी। इस फिल्म के सभी गाने और उनका अभिनय लोगों को बहुत पसंद आया। उनका फिल्मी सफर तो शुरू हो गया, लेकिन लोकप्रियता उन्हें मिली धारावाहिक विक्रम और बेताल से। दूरदर्शन का ये धारावाहिक विक्रम और बेताल, जिसमें उन्होंने विक्रमादित्य का किरदार निभाया था, इसी धारावाहिक के चलते उन्हें मौका मिला रामानंद सागर जी से मिलने का, क्योंकि ये सीरियल विक्रम और बेताल उनके बेटे प्रेम सागर ही बना रहे थे। जब रामानंद सागर जी से मिलने गए और उन्होंने अपना स्क्रीन टेस्ट दिया, तो रामानंद सागर जी ने कहा कि हम तुम्हें चुन सकते हैं लक्ष्मण और भरत के किरदार के लिए। ये सुनकर थोड़े दुखी हुए, क्योंकि वो तो आए थे राम के किरदार के लिए। उन्हें अफसोस था, इसलिए उन्होंने कहा रामानंद सागर जी से, जैसा आप उचित समझें, लेकिन मैं आया था यहाँ राम के किरदार के लिए। उनकी सिलेक्शन टीम और रामानंद सागर जी ने इस पर फिर से विचार किया। अरविंद जी को बुलाया और कहा कि हमें तुमसे अच्छा राम नहीं मिल सकता, तुम ही हो हमारे रामायण के राम। तो कुछ इस तरह रामायण में राम की भूमिका के लिए अरुण गोविल जी को पसंद किया गया। अब बात करते हैं सीता के किरदार के लिए। रामायण में सीता का किरदार निभाया था दीपिका चिखलिया जी ने, जो कि शादी के बाद दीपिका टोपीवाला बन गई। दीपिका ने हेमंत टोपीवाला से शादी की, लेकिन आज भी लोग उन्हें सीता के रूप से ही याद करते हैं। वो जहां भी जाती हैं, लोग उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहते हैं। लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि वो सीता नहीं दीपिका है। ये बात खुद दीपिका कहती हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि राम और मेरे देवर लक्ष्मण, यहाँ तक कि मेरे पुत्र लव कुश कैसे हैं। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मेरा अपना एक परिवार है, जहाँ मेरे पति और मेरी दो प्यारी बेटियाँ हैं, लेकिन लोगों का प्यार इतना है कि लोग इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते और आज भी मुझे सीता के रूप में ही पसंद करते हैं। आपको बता दें कि दीपिका ने बहुत कम उम्र में ही अभिनय करने शुरू कर दिया था। वो जब 8 साल की थी, तब उन्होंने कई एड फिल्म्स में काम किया। 15 साल की उम्र में उनको पहली फिल्म भी मिल गई और उसके बाद फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें कई लोकप्रियता हासिल हुई। रामायण सीरियल के बाद दीपिका की जिंदगी ही बदल गई। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और फिर 1991 में उन्हें BJP का टिकट भी मिला वडोदरा से। आपको पता है रामायण की सीता को BJP का टिकट किसने दिलाया? रावण ने। जी हाँ, अरविंद त्रिवेदी जी ने। अरविंद त्रिवेदी जी आए सीता के पास, यानी दीपिका जी के पास, और उनसे कहा कि आपको अडवाणी जी तलाश कर रहे हैं, अडवाणी जी आपसे मिलना चाहते हैं। दीपिका को भी लगा कि शायद उन्हें मेरा काम पसंद है, अभिनय पसंद है, इसलिए वो मिलना चाहते हैं। वो गई उनसे मिलने। तब अडवाणी जी ने उनसे कहा कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रभावित कर सकती हैं। और उन्हें वडोदरा से BJP का टिकट मिला, वो जीत भी गई। इसके बाद उनकी शादी हुई, उनकी बेटियां हुई और उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, लेकिन अब उन्होंने ब्रेक से वापसी कर ली और अब हम उन्हें देखेंगे कई सारे वेब सीरीज और फिल्मों में काम करते हुए। तो ये थी सीता। अब हम बात करेंगे लक्ष्मण की। लक्ष्मण का किरदार अभिनेता सुनील लहरी ने निभाया था। रामायण के बाद सुनील इस कदर मशहूर हो गए कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी लक्ष्मण के नाम से बुलाने लगे। यही नहीं, 80 के दशक में जब वो कहीं जाते थे तो लोग उनकी पूजा करने लगते थे।
सुनील ने रामायण के अलावा कई सीरियल और फिल्मों में काम किया था, लेकिन उन्हें पहचान रामायण के लक्ष्मण से मिली। आपको पता है सुनील को सबसे पहले शत्रुघ्न किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन जब अभिनेता शशि पुरी ने लक्ष्मण का किरदार निभाने से मना कर दिया तो ये किरदार उनकी झोली में आया और उनकी जिंदगी बदल गई। अब हम बात करते हैं रामायण के रावण यानी अरविंद त्रिवेदी जी की। रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण में लंकापति रावण का रोल निभाकर अरविंद त्रिवेदी ने खासी लोकप्रियता बटोरी। अरविंद मूल रूप से मध्य प्रदेश के शहर इंदौर से ताल्लुक रखते हैं। अरविंद ने 250 से भी ज्यादा हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया। वो गुजराती थिएटर से ताल्लुक रखते हैं। गुजराती थिएटर में काम कर रहे थे, एक दिन उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं और वो किरदारों की कास्टिंग कर रहे हैं। वो भी गुजरात से मुंबई आए, रामायण के रावण के लिए नहीं, केवट के लिए। वो चाहते थे कि उन्हें केवट की भूमिका करने का मौका मिले और उन्होंने ऑडिशन दिया। उनका ऑडिशन जब खत्म हुआ तब उन्होंने रामानंद सागर जी से कहा, मैं चलता हूँ। जिस अंदाज में उन्होंने कहा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड देखकर रामानंद सागर जी ने चिल्लाकर कहा, मुझे मिल गया मेरा रावण, तुम ही बनोगे मेरे रावण। अरविंद त्रिवेदी के मिलने से पहले रामायण की स्टारकास्ट चाहती थी कि अभिनेता अमरीश पुरी को लिया जाए रावण के किरदार के लिए, क्योंकि उनका अभिनय सबको पता था, वो बहुत ही अच्छा अभिनय करते हैं और रावण का किरदार उनसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। लेकिन जब रामानंद सागर जी ने अरविंद त्रिवेदी को देखा तो उन्होंने अपना मन बना लिया और सबसे कहा कि रावण तो यही बनेंगे और ये बहुत अच्छा अभिनय करेंगे, और ऐसा ही हुआ। अरविंद त्रिवेदी का किरदार इतना दमदार था कि जब उनकी आवाज़ टीवी पर दशानंद लंकेश के रूप में गूंजती थी तो लगता था कि वास्तविक रावण ही छोटे पर्दे पर उतर आया है। रावण के रूप में दिखने वाला उनका चौड़ा माथा और चेहरे पर गुस्से के भाव ऐसे होते थे जैसे मानो यही है रावण। इस पर खुद अरविंद त्रिवेदी खुद कहते हैं कि रावण का किरदार उनके लिए इतना आसान नहीं था, 5 घंटे लगते थे तैयार होने में। रावण का जो मुकुट था वो 10 किलो का था, बाकी आभूषणों का भी बहुत वजन हुआ करता था। रामायण की शूटिंग उमरगांव गुजरात के बॉर्डर में हुआ करती थी। शुरुआती दौर में जब रामायण शुरू हुआ था उन्हें कोई पहचानता नहीं था, तो वो पैसेंजर ट्रेन से ट्रैवल करते थे, मुंबई से उमरगांव जाया करते थे। उन्हें बैठने के लिए सीट भी नहीं मिला करती थी, वो खड़े रहते थे। लेकिन जब टीवी पे ये शो आया तब लोगों ने उन्हें पहचानना शुरू किया। जब भी वो पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल करते तो लोग उन्हें सीट देते, उनसे पूछते कि अब आगे क्या होने वाला है, वो भी मुस्करा कर लोगों को कहते, देखो देखो सीरियल देखो। जिस तरह से रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था, उसी प्रकार अरविंद त्रिवेदी भी भगवान शिव और राम के बहुत बड़े भक्त हैं। आपको बता दें कि जब भी वो शूटिंग पर जाया करते थे सबसे पहले सेट पे पूजा किया करते थे, भगवान की आराधना किया करते थे, उसके बाद वो उपवास रखते थे। उपवास रखने की सबसे बड़ी वजह थी उनकी स्क्रिप्ट, क्योंकि वो रावण का किरदार निभा रहे थे तो उन्हें अपशब्द कहने थे श्री राम भगवान को। उन्हें इस बात का दुख था कि वो अपने भगवान को गलत बातें कहेंगे, इसीलिए वो भगवान से व्रत रखकर माफी मांगते कि हे प्रभु, मैं अपने किरदार में जाने वाला हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैं कुछ भी आपको अपशब्द कहूँ। शूटिंग खत्म होती तो शाम को वो अपना मेकअप निकालते, अपने वस्त्र बदलते और तब अपना उपवास खोलते। इतनी श्रद्धा थी उनके अंदर। आपको पता है वो आज भी अरुण गोविल को प्रभु कहकर पुकारते हैं। उनकी मित्रता बहुत ही स्ट्रांग है। रामायण में रावण का किरदार निभाने के बाद अरविंद त्रिवेदी ने राजनीति में भी कदम रखा। 1991 में अरविंद त्रिवेदी गुजरात के साबरकांठा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। 2002 में उन्हें भारतीय फिल्म प्रसारण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया। फिलहाल अब अरविंद त्रिवेदी का ज्यादातर समय भगवान श्री राम की भक्ति में बीतता है। वो कई लोगों की सेवा भी करते हैं, वो तीर्थ यात्रियों की सेवा के साथ साथ कई दान पुण्य का भी काम करते हैं। तो ये थी रामायण से जुड़ी और रामायण के किरदारों से जुड़ी हुई दिलचस्प बातें। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसकी जानकारी हमें जरूर दें कमेंट बॉक्स पे। और भी कई वीडियोस हम आपके लिए लाएंगे, तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वन कॉर्नर को बहुत प्यार दें।